सब्सक्राइब कीजिए एम ब्रोज इंडिया को, इस रेड बटन को दबाकर, और साथ में दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख पाए हमारे वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एम ब्रोज इंडिया, दिस इज रेहान एंड दिस इज साहिल। सो आज हम बात करने वाले हैं दो बिग रिलीजेस जो आज हुई हैं, KGF एंड जीरो। जीरो तो मैंने अकेले देखी लेकिन KGF हम दोनों साथ में देख कर आए। So, कहीं ना कहीं दोनों मूवीज के बारे में हम बात करेंगे, बात करने वाले। और हमने जब इन दोनों ही ट्रेलर पर रिएक्शन किया था तभी हमने बोला था आपसे कि हम ये दोनों ही मूवी देखेंगे और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे इन दोनों ही मूवीज के बारे में। जीरो का तो फर्स्ट शो देखा है भाई ने, जीरो का फर्स्ट शो नहीं देख पाए क्योंकि भाई साहब का वेट करना पड़ा मुझे। हाँ, क्योंकि जीरो में व्यस्त थे। तो जीरो अगर मैं बात करूँ तो जीरो इंटरवल के पहले ठीक है और बाद में तो खत्म है। चलो एक काम करते हैं, दोनों ओवरऑल यार जीरो एक बहुत कमजोर मूवी है, साथ में बात करते हैं। हाँ, जीरो की स्टार्टिंग और इसकी स्टार्टिंग दोनों के साथ बात करते हैं। राइट, जीरो से स्टार्ट करते हैं कि जीरो में जो स्टार्ट था वो कैसा था, तू बता फिर। जीरो में जो स्टार्ट था, स्टार्ट तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग लिया था उसमें, जिस तरह से शाहरुख खान की एंट्री होती है और जिस तरह से कॉमेडी पे कॉमेडी पंचेस आते हैं, तो मुझे इंटरवेल तक तो लगा यार ये बहुत ही कमाल की मूवी है। लेकिन इंटरवेल के बाद जो है लुटिया डूब गई। हाँ चल, अब बात करूँ मैं KGF की, तो KGF मूवी जो थी वो ये मान के चल कि 1951 से लेके 1991 तक की स्टोरी के बीच में ली गई। स्टार्टिंग जो राइट, और मतलब स्टार्टिंग या एंड भी वही हुआ है। और ये चैप्टर 2 में पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन पहले हम बात करते हैं इंटरव्यू पहले की। तो जो मैं एंट्री थी ना जो यश रॉकिंग स्टार यश की, वो आउट क्लास थी यार। कैसी थी? बहुत धासु थी। और जिस तरह से मतलब थिएटर में जब मूवी स्टार्ट होती है तो जो गूज़बम्प आया ना, जो KGF लिखा हुआ आता है ना उसके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है वो बहुत ही कमाल का मोमेंट था। और यार मेन चीज फर्स्ट पार्ट भी हाँ लेके चलता है साथ में पिक्चर। राइट, और हिंदी जो है, हिंदी में जो इसे बनाया गया है ना वो आउट क्लास लगता है, ऐसा लगता है बॉलीवुड मूवी देख रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा था डबिंग के टाइम पर, जो दूसरे यश की तो लग रहा था बिल्कुल थोड़ा बोला कि हाँ सही लग रहा है, लेकिन जब दूसरे लोग कर रहे थे ना तो डबिंग लग रही थी कि ये डबिंग है। राइट, वो थोड़ा सा लग रहा था। लेकिन यश वाला जो पार्ट था वो ऐसा लग रहा था जब उन्हें देख रहे थे तो ऐसा लगता है व्हाट अबाउट बॉलीवुड मूवीज में काम किया। व्हाट अबाउट डायलॉग्स? डायलॉग्स अगर KGF की बात करें तो इसमें बड़े ही एटीट्यूड वाले डायलॉग्स हैं, धांसू डायलॉग्स जो मतलब 90s की मूवीज में होते थे। और इसमें जीरो में बात करें तो बहुत कॉमेडी वाले डायलॉग है। तो ये देखा जाए कि फर्स्ट जो था हमारा फर्स्ट हाफ वो जीरो में, तो भाई साहब ने बता ही दिया कि इसको बहुत मजा आया। हाँ ठीक है, फर्स्ट हाफ इसका अच्छा खासा गया। राइट, फर्स्ट हाफ हमारा भी अच्छा गया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि अपन देख चुके हैं, लाइक अमिताभ बच्चन की दीवार हो गई, हाँ, इस टाइप की मूवी में देख चुके हैं। वो उस जमाने की मूवी बनाई हुई है ना उन्होंने जमाने, लेकिन अपन सेटअप वैसे ही सेटअप उन्होंने जमाया। लेकिन इसमें मेन चीज पहले में जो इमोशंस दिखाए थे ना, जो पहले पार्ट में माँ और बेटे का रिलेशनशिप, वो उसके बाद में वो जो कोलार फील्ड में काम वाला सीन था, वो काफी अच्छा लगा मुझे पहले उसमें। और खास करके यश की एंट्री, और इसमें जो मारधाड़ वाले सीन्स जो है ना वो तो तगड़े थे कमाल के। और जो सॉन्ग आता है वो यश वाला जिस पर हमने रिएक्शन भी किया था यार, वो तो छोड़ ही दे उसको, तो तू वो तो है छोड़, वो तो आ ही जाएगा। अपन सॉन्ग की बात ही नहीं कर रहे अभी, फर्स्ट हाफ की बात कर रहे, तो सॉन्ग को भी हटा देते हैं क्योंकि अभी डॉन नहीं बने, डॉन बन जा उसके बाद। राइट राइट राइट। सो यहाँ पर कोलार फील्ड में, और हाँ मेन चीज डायरेक्शन, इतना अच्छा डायरेक्शन मैंने साउथ इंडस्ट्री में शायद बाहुबली में देखा था कि जो मूवी थी, मतलब बॉलीवुड में तो इतना अच्छा डायरेक्शन मैंने यार सच में यार डायरेक्शन बॉलीवुड वालों को क्या हो जाता है यार। और जिस तरीके से इन्होंने शूट किया है ना, मतलब बहुत सारी बहुत नया नया लगता है कि यार कि कुछ अलग ही टाइप की मूवी देख रहे। लेकिन इसमें वही चीजें थी, स्मगलिंग कोलार फील्ड में, इसमें बारीक बारीक चीजों को लिया इन्होंने, बहुत बारीक बारीक चीजों को, स्मगलिंग को लिया, अंडरवर्ल्ड में कैसे जाते हैं उसको लिया। और वो जो मतलब पहला हाफ तो फिर भी मुझे थोड़ा धीमा लगा था मुझे इसका, लेकिन सेकंड हाफ में जो मजा आए हैं यार आउटस्टैंडिंग। सेकंड हाफ में मूवी बहुत फास्ट हो जाती है। सेकंड हाफ तो जीरो का क्या हाल था सेकंड हाफ में? सेकंड हाफ में जीरो बहुत स्लो हो जाती है। तो सेकंड हाफ में जीरो ने इसको रुला दिया, इसके पैसे लूट लिए। मतलब सेकंड हाफ में ना मैं बार बार यूं टाइम चेक करता था, टाइम क्या हुआ, कब खत्म होगी, कब खत्म होगी, ज्यादा लंबा खींच लिया था। हाँ, वो अगर जीरो 2 घंटे की बनाते ना तो बहुत अच्छी मूवी होती, लेकिन उन्होंने 3 घंटे की बनाई। तो ले दे के कहा जाए इसने सेकंड हाफ में बच गई इसकी, इसके जो पैसे थे 200 रुपए उसमें से इसके सिर्फ 100 रुपए वसूल। राइट, लेकिन एक चीज उसमें बहुत अच्छी लगी कि उसमें श्रीदेवी को दिखाया जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। श्रीदेवी
श्रीदेवी के लिए जो उन्होंने दिखाया right. उसके लिए थैंक यू सो मच कि श्रीदेवी को दिखाया, उन्होंने अच्छा ट्रिब्यूट दिया श्रीदेवी को, तो कि लोग उन काट देते हैं ऐसे सीन राइट right. क्योंकि भैया अब तो चले गए, लेकिन उन्होंने अच्छा ट्रिब्यूट दिया. अब बात करते हैं केजीएफ की जो सेकंड वाला पार्ट था, इट वाज अमेजिंग. इंटरवल के बाद जो मजा आया ना, इंटरवल के बाद हुई उसने उतावलापन जगा दिया कि सेकंड चैप्टर अभी रिलीज कर भाई, तू तो हमको तो अभी देखना है, अभी ही देखना है. और केजीएफ पता हमें इतनी अच्छी लगी, हमने बाद में सेल्फी भी ली केजीएफ के पोस्टर के साथ उसका हम जरूर डालेंगे थंबनेल में, आप देख लीजिएगा. इसके बाद में अगर हम बात करें एक्टिंग की तो एक्टिंग यार यश की तो एक्टिंग आउट क्लास, और शाहरुख खान की भी. मैं शाहरुख खान की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं जीरो की बात कर रहा हूँ. जीरो में शाहरुख खान की एक्टिंग है ना, मतलब सिर्फ शाहरुख खान जब भी आते हैं ना स्क्रीन पे धमाल हो जाता है, और बहुत ही मतलब ऐसा आप फील ही नहीं करोगे कि यार ये शाहरुख खान है, आपको ऐसे लगेगा ये बौआ सिंह है, बोना इंसान है एक, तो पता ही नहीं चला. एक्टिंग तो मतलब जीरो में कटरीना से लेके अनुष्का से लेके शाहरुख ने तीनों ने ही कमाल की और उसका एक फ्रेंड है जीशान अयूब जो जिसने उसका रोल किया, वो जो बार बार बोलता है ना अस्तग़फ़िरुल्लाह तो वो बहुत ही अच्छा लगता है. सो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर भी यश की एक्टिंग बेहतरीन एक्टिंग, यश ने जिस एटीट्यूड के साथ मुझे लगा कि वो ओरिजिनल वही है, वो कोई एक्टर लग ही नहीं रहा था, मुझे लग रहा था यही बंदा है, इसी का कैरेक्टर यही अदा कर रहा है, ये ओरिजिनल में ओरिजिनल चीज देख रहा हूँ मैं कहीं पे कि ओरिजिनल भाई बंदा है, बंदे के अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है, ओरिजिनल वो सब कुछ कर रहा है. और बात करें हीरोइन की तो हीरोइन का ज्यादा इस मूवी में था नहीं, अगर हम बात करें की इतना वो नहीं इतना, हमें जो भी था हमें ट्रेलर में भी यही बोला था कि एक्ट्रेस का इसमें कुछ काम इसमें नहीं, इसमें एक्ट्रेस का काम नहीं था ज्यादा, जो भी था सिर्फ और सिर्फ यश पे फोकस था. हाँ विलेंस की बात करते हैं, यहाँ पे तीन विलेंस थे जिनका भी काम काफी अच्छा था, इनकी एक्टिंग भी काफी अच्छी थी, उनको भी कुछ अच्छे अच्छे डायलॉग्स दिए गए थे. लेकिन अब बात करते हैं इसके एंड की, जो एंड हुआ ना ये लोगों में ऐसी वो बाहुबली वाली लगा के गया है ना कि यार भाई ले आओ यार चैप्टर टू देखना पड़े, चैप्टर टू बहुत जरूरी. और हाँ आप लोगों ने अगर अभी तक केजीएफ नहीं देखी है अगर तो प्लीज यार जाके देखो एक बार, केजीएफ इज अ मस्ट वॉच मूवी, मस्ट वॉच. अगर आप चाहे तो जीरो को अवॉइड करके केजीएफ देखने जा सकते हैं. देखा जाए तो बैकग्राउंड म्यूजिक ऑसम, ऑसम बैकग्राउंड म्यूजिक, इतना कि गूज़बम्प्स आ जाएंगे आपको. और मुझे सबसे ज्यादा मजा आया वो आइटम सॉन्ग देखने में, मौनी रॉय वाला, मौनी रॉय क्या लगी यार. तो ये तो बात थे, उसमें पैसे तो वसूल हो ही गए होंगे थे मूवी के, क्योंकि उसमें भी एक हुस्न वाला गाना था, हुस्न परचम वाला, तो इसके पैसे वसूल हो गए वहाँ पे. लेकिन हमारे फुल पैसा वसूल हुए, हमको तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा और भी दे देते तो चलते, चलते कोई डाउट नहीं है इस बारे में, क्या बोलते हैं. तो केजीएफ यहाँ पे भाई विनर है, यहाँ पर मैं भी यही कहूंगा कि केजीएफ. म्यूजिक के बारे में कहूँ तो म्यूजिक के कुछ सॉन्ग जो है वो सॉन्ग के जीरो के ज्यादा बेटर, क्योंकि वो याद रखने वाले सॉन्ग है, वो वैसे भी लॉन्ग याद रहते हैं. यहाँ पे सिर्फ जो हमने स्टार्टिंग में टाइटल जिसपे हमने रिएक्शन दिया था रॉकी वाला, वो सॉन्ग हमको स्टार्टिंग में अच्छा लगा जो अलग से बनाया था उन्होंने. और अगर बात करें दूसरे सॉन्ग्स की तो इतने ज़्यादा कुछ याद रखने वाले सॉन्ग थे नहीं, बस सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक ऑसम था, जो बीजीएम था ना वो सॉलिड था. और अगर केमियो की बात करें जीरो में, तो जीरो में बहुत सारे बॉलीवुड स्टार का केमियो था. मैं आपको नाम गिनाते थक जाऊंगा, फिर भी बड़े बड़े लोगों के नाम गिनाता हूँ. सबसे पहले तो श्रीदेवी का केमियो था, दीपिका पादुकोण का केमियो था, आलिया भट्ट का केमियो था, और जूही चावला का केमियो था, और भी दो चार आर माधवन का केमियो था, ओह माय गॉड, और अपना अभय देओल का केमियो था. तो बहुत ज्यादा केमियो था, और सलमान खान को तो कौन बोल सकता है यार, उनका तो पूरा सॉन्ग ही था. हाँ तो एक बात है इस मूवी में, एक चीज ये थी केजीएफ में, याद है तुझे जो अचानक से वो अपन फर्स्ट हाफ में देख रहे थे यार, फर्स्ट हाफ अपन हम फर्स्ट हाफ को स्लो स्लो बोल रहे हैं क्योंकि अचानक से कोई सा कैरेक्टर आ जाता और चले जाता. कन्नड़ मूवी हमने फर्स्ट टाइम देखी तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा मतलब फर्स्ट टाइम के हिसाब से हमें बहुत अच्छा था फिर भी. स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा मतलब थोड़ा समझने में थोड़ा इशू आया, लेकिन बाद में जो बहुत लेकिन फीलिंग तो वही वाली आई. वो एक मूवी थी वंस जब यश आता है ना स्क्रीन पे तब मजा आते हैं यार, तो लगता है कि यार हाँ देख रहे हैं. और वो बच्चों वाला डायलॉग बहुत अच्छा लगा था मुझे यार, वो जब उन्होंने बोला था कि यार इसको देख के मुझे लगता है कि वो रहता है ना फिल्मों में एक कौन विलेन कौन हीरो नहीं विलेन वाह वो तालियां बजी थी हमारे यार. और वो जो सीन था वो वाला वो सीन सब में, और हाँ वो एक वो फाइट करते करते ये वाला सीन उसमें बहुत 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 सीटी बजी यार, सीटियां बजी थी वहां पे. सच में ये मूवी टक्कर थी और टोटल धमाधम था. अब चैप्टर टू पे अगर कोई टकराया ना तो उसकी बैंड बज जाएगी, क्योंकि चैप्टर वन में ऐसी बैंड बजेगी ना सिनेमा में, मतलब अगर इसको और स्क्रीन पर भी रिलीज नहीं करना तो कल तक स्क्रीन इसकी बढ़ जाएंगी राइट. ये पक्का है क्योंकि रिव्यू ही इतना बेटर दे रहे हैं हर कोई. अगर बात करें म्यूजिक की तो म्यूजिक में जीतता है भैया जीरो, बैकग्राउंड म्यूजिक में जीतता है भैया हमारा
KGF बैकग्राउंड म्यूजिक ऑसम था. एक्टिंग की बात करें तो दोनों बराबर है, तो एक्टिंग में तो दोनों ही विनर है. और VFX में भी यार दोनों ही विनर है क्योंकि VFX जीरो में अगर आप VFX देखोगे तो आप बोलोगे नहीं कि ये VFX है, आप यहाँ पर. लेकिन KGF में एक्चुअली VFX से ज्यादा सेट्स पे काम हुआ है राइट. और काफी टाइम लगाया इस मूवी को बनाने, लाइक बाहुबली में जितना टाइम लगा था उतना ही टाइम इस मूवी को बनाने में लगा. और बंदे ने पूरा पैशन के साथ उस मूवी में काम किया है. यश की अगर बात करूँ तो ही इज सच अ रॉकिंग स्टार. और रॉकी भैया ही है वो, रियल लाइफ का रॉकी भैया हमारे Right. वो तो सच में यार उसका रोल तो मुझे लगा ही नहीं. मैं मतलब पहली मूवी देखी यश की और मैं फैन हो गया यश. इतनी जबरदस्त एक्टिंग, ऑसम एक्टिंग में के मामले में यश बाजी मार गया भाई. वैसे ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान ने बाजी नहीं मारी, वहां पे भी विनर है. लेकिन अब बात करते हैं पूरी सिनेमाटोग्राफी की, यानी कि पूरी डायरेक्शन की, तो यहाँ पे तो एक लौता विनर है KGF. क्योंकि लेकिन ये मूवी ऐसी थी कि और भी चलती रहती ना तो बंदा बैठ के आराम से देख सकता है. क्योंकि सेकंड जो ट्रेलर के आफ्टर द ट्रेलर जो सेकंड हाफ था वो ऑसम था. वो देख के ऐसा लग रहा था बस कि खत्म ना हो, बस ये चलता रहे स्टोरी आगे की हमें मालूम पड़ती रहे. और अब डायरेक्शन में जीता कौन? KGF. तो ओवरऑल अगर बात करें तो जीता कौन? KGF विनर है ओवरऑल बात करें तो. आप अगर दो मूवी रिलीज हुई और आप कंफ्यूज्ड हो कि कौन सा कौन से देखे, अगर आप एक अच्छी मूवी देखना चाहते हो तो आप KGF के साथ जा सकते हैं. हमारी मूवी KGF है भैया, हमारी तो ये भैया शाहरुख खान के फैन है, लेकिन इनको भी बोलना पड़ेगा कि भाई KGF देखने चले जाए. तो KGF को भाई अब पूरे 5 स्टार तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा हमें लगा कि हम पहले ही देख चुके हैं, ऐसी चीज है वो चीजें दिखाई है, इसलिए हम इसको 5 स्टार तो नहीं देंगे. और म्यूजिक में सॉन्ग्स भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे कि जो याद रखे जाए राइट. तो म्यूजिक अच्छा था, बैकग्राउंड म्यूजिक, तो इसको हम 3.5 आई थिंक 4 स्टार ही दे सकते हैं. 3 स्टार हम जीरो को देंगे, इसको कम भी देंगे तो चलेगा क्योंकि सेकंड हाफ बुगाड़ दिया तो मतलब ही क्या, क्योंकि मूवी का एंड ही मूवी की ताकत होता है, मूवी की जान होता है. तो उसके बाद ही लोग तारीफ या बुराई करते हैं, तो मूवी का एंड ही बिगाड़ दिया तो उसको 3 से भी कम देंगे तो चलेगा राइट. तो आउट ऑफ 5 4 स्टार. सो आप लोग बताइए आप लोगों का हमारा रिव्यू कैसा लगा. और इस तरह से आप और रिव्यू देखना चाहते हैं लाइक दो मूवी एक साथ आए और हम दोनों एक एक मूवी को देखने जाए, या फिर दोनों साथ में मूवी को देखने जाए और शाम को इस तरह से रिव्यू दें, अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके उन मूवीज के नाम बताइए कि ये मूवी आप जाइए देखने और हम उस पर रिव्यू करेंगे. और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज यार लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट करके बताना. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन मेक लव नॉट वॉर.